हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी के 1500 से लगभग 2000 प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही थी उसको देख रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका आज ज्योग्राफी का जो चौथा दिन है उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आपको ज्योग्राफी के जितने भी सवाल हैं उसको। देखिए, हम लोगों ने मैप के जरिए आपको पूरे क्वेश्चंस को समझाया था। हम लोग जितने भी क्वेश्चंस अभी भी आएंगे वो सारे के सारे मैं मैप के जरिए जो है ना समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। हम लोगों ने ये देखा था कि आपको जितने भी दर्रे हैं वो कौन से राज्य में अवस्थित हैं, कौन से राज्य में स्थित हैं, उसके बारे में देखा था। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा जो है ना आपको सुमेलित है, तो ऑलरेडी हमें पता चल जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले सिपकिला हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही, सिपकिला आपको हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, लिपू लेख, माना और नीति, ये तीनों हमने उत्तराखंड में बताया था। ठीक है, लिपू लेख, माना और नीति, ये तीनों के तीनों हमने उत्तराखंड में बताया था। तो इसका सही मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, लिपू लेख हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। नाथुला सिक्किम में स्थित है, नाथुला जयलेपला, ये दोनों के दोनों सिक्किम में थे। ठीक है, जोजिला ये आपको कश्मीर, ठीक है, तो जोजिला आपको कश्मीर में, ये भी आपको सही है। आगे की ओर बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास निम्नलिखित युग में कौन सुमेलित नहीं है, फिर से आपको कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको सिपकिला, अभी जस्ट हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में सुमेलित है, सही है। बोमडिला ये आपको, ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, और भी इसके साथ साथ है, बोमडिला के साथ साथ आपको यांगयाप था और उसके साथ साथ आपको दीपू था, ये आपको दोनों के दोनों कहाँ पे थे, तो अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सुमेलित है। नाथुला सिक्किम में, गलत, तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर, नाथुला कहाँ पे आपको सिक्किम में है, इसलिए आपको ये गलत हो जाता है। जोजिला और बनिहाल ये दोनों के दोनों आपको जो है ना जम्मू कश्मीर में है, इसलिए ये भी सही सुमेलित है। जो सही सुमेलित नहीं है वो है नाथुला, क्योंकि नाथुला में जो है ना, नाथुला जो है वो आपको सिक्किम में अवस्थित है। आगे हम लोग बात करते हैं नाथुला किस राज्य में, अभी जस्ट इसी को तो देख रहे थे, तो नाथुला हमने देखा कि सिक्किम में अवस्थित है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपको कौन सा युग्म पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, फिर से ऐसे क्वेश्चन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सारे के सारे जो है ना आपको पता हो, तभी आपका इसका उत्तर सही कर पाएंगे। देखिए, सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे लिपू लेख उत्तराखंड में, मैंने उत्तराखंड में और भी दो बताए थे, एक मैंने माना बताया था और एक हमने क्या बताया था आपको नीति, माना नीति, ये लिपू लेख, ये सब के सब कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश, तो बिल्कुल गलत, नाथुला आपको कहाँ पे है, सिक्किम में है, नाथुला कहाँ पे है, सिक्किम में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपको एक गलत उत्तर है, मतलब यही हमारा उत्तर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये माना नीति लिपू लेख ये सब के सब कहाँ पे है आपको, उत्तराखंड में है। रोहतांग ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग कहाँ पे है आपको, हिमाचल प्रदेश में है। और पालघाट कहाँ पे है आपको, केरल में। हमने इसके साथ साथ ये भी बताया था कि जो भोर घाट है, भोर घाट ठीक है, और उसके साथ साथ एक और बताया था हमने, पालघाट तो बता दिया वो केरल में, भोर घाट और उसके साथ थाल घाट, ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में। भोर घाट और आपको थाल घाट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में स्थित है, भोर घाट और थाल घाट ठीक है, महाराष्ट्र में। भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट ये सब के सब जो है ना पश्चिमी तट से आपको लगे हुए हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में पूछ रहा है, तो आपको पता है उत्तराखंड में तीन है, माना नीति और उसके साथ लिपू लेख। ठीक है, माना नीति और आपको लिपू लेख, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, आपको पता है नाथुला ये आपको कहाँ पे है, सिक्किम में है, जयलेपला सिक्किम में, सिपकिला, तो ये सब सारी चीजें जो है ना आपको याद होना चाहिए। माना कहाँ पे है आपको, तो अभी हम लोगों ने देखा उत्तराखंड में, माना कहाँ पे आपको स्थित है,
उत्तराखंड में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको, उत्तराखंड, ये रहा। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। फिर से हमारे सामने सवाल है, अब हमारे पास जो है ना कुछ मैंने नोट्स तैयार किए हैं। भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अगर मैं भारत की स्थिति की बात करूं तो भारत का आप जैसे ही मैप बनाएंगे तो भारत जो है ना आपको सॉरी ठीक है इस तरह से है, तो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इधर क्या है आपको, बे ऑफ बंगाल, इधर क्या है आपको, बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है आपको, अरेबियन सी, अरेबियन सी मतलब आपको अरब सागर, और उसके साथ जो है ना अगर नीचे की बात करें तो इधर है आपको इंडियन ओशन, इंडियन ओशन मतलब आप कह सकते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी, पूर्व की ओर क्या है आपको, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम की ओर जो है ना आपको क्या है, अरेबियन सी, अरब सागर। तो तीन ओर से आपको जो है ना भारत समुद्र से आपको घिरा हुआ है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है भारत के तट रेखा की लंबाई जो है 7516 किलोमीटर है। आपको ऑप्शन में 7500 भी अगर दे देता है तो, अगर 7516 ऑप्शन में नहीं है तो आप 7500 भी लगा के आ सकते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई, अगर मैं भारत की मैप की बात करूं तो ये जो है भारत का मैप, इसमें जो समुद्र तट से लगे हुए जो है ना आपको जो राज्य है और जो आपको केंद्र शासित प्रदेश है, इन सब की अगर मैं बात करता हूं तो समुद्र से जो है ना आपको लगे हुए आपको जो रेखाएं हैं, भारत के जो आपको राज्य हैं उनकी लंबाई कितनी है आपको, 7516 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं तो ये है आपके सामने भारत की तट रेखा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। अभी जस्ट हमने बताया कि आपको जो है ना पूर्व में किधर के, जब मैंने भारत का भी जस्ट मैप बनाया था ऐसा, तो ये भारत में पूर्व में जो है ना आपको बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, आपको इधर की ओर जो है ना आपको क्या है, अरेबियन सी है पश्चिम में, और आपको दक्षिण में क्या है आपको, मैंने बताया हिंद महासागर है, इसको अरब सागर कह सकते हैं। पश्चिम में, पूरब में क्या हो जाएगा आपको, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में क्या हो जाएगा आपको, हिंद महासागर, उसी को जो है ना नोट्स में मैंने दिखाया है। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पहले जो है दमन और दीव और दादर और नगर हवेली अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, मतलब ये दोनों दो केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 से दमन दीव और दादर और नगर हवेली को विलय करके एक में मर्ज करके दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव आपको नाम कर दिया गया है, मतलब अब इन दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि से लगे हुए कुल तटीय लंबाई कितनी है, 5422 किलोमीटर, मतलब मुख्य भूमि से जो भारत का मेन लैंड है, ये मेन लैंड है, भारत का मुख्य भूमि बोला जाता है। ठीक है, और ये सब जो है इधर क्या है आपको, अंडमान निकोबार, इधर क्या है आपको, लक्षद्वीप। तो ये अंडमान निकोबार ये सब को छोड़ के मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, तो ये मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422 किलोमीटर है, और इस तरह से मुख्य भूमि से कुल तट की दूर जो मुख्य भूमि से नहीं लगे हुए हैं, कुल तट की लंबाई जो है ना आपको 294 किलोमीटर है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो भारत का मतलब टोटल इसको जब आप लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7516 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको, मतलब भारत 7516 किलोमीटर जो है ना आपको समुद्र तट से लगा हुआ है। भारत की सीमा रेखा कितनी है जो कि समुद्र तट से जुड़ी हुई है, लगी हुई है, 7516 किलोमीटर। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में गुजरात जो है ना सबसे लंबा जो है ना आपको तट रेखा वाला राज्य है। मैं अगर भारत यहाँ पे जो है ऐसे मैंने भारत का मैप बनाया तो ये जो आपको गुजरात है, गुजरात का जो है ना सबसे ज्यादा एरिया जो है आपको समुद्र तट से लगा हुआ है। समुद्र तट से सबसे ज्यादा कौन सा जो है ना राज्य लगा हुआ है, तो गुजरात। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य है जो कि समुद्र तट के साथ सबसे ज्यादा जो है ना उसकी लंबी सीमा रेखा है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। और सबसे छोटा जो है ना आपको सीमा रेखा किसका है आपको लगा हुआ, कौन से राज्य का, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको, गोवा। गोवा आपको सबसे कम जो है ना आपको समुद्र तट से लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने याद किया कि आपको सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है ना आपको गुजरात, और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य क्या हो जाएगा आपको, गोवा हो जाएगा। भारत की देखिए, अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ गया कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो आपको 7500 किलोमीटर है। ठीक है,
7500 किलोमीटर कुल तटरेखा की लंबाई, अगर आपको 7516 भी ऑप्शन में आता तो आप 7516 लगा देते, ठीक है। आगे की बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, गुजरात का तटरेखा सबसे लंबा है और गोवा का तटरेखा सबसे छोटा है। आगे की ओर बात करते हैं, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, तो भारत के 9 राज्य जो है ना आपको तटरेखा से लगे हुए हैं। भारत में कुल राज्यों की संख्या 9 है जो समुद्र तट से आपको लगे हुए हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, तो इसका उत्तर 9 हो जाएगा। भारतीय प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में जो रत्नाकर नाम था वो हिंद महासागर का नाम था, रत्नाकर नाम जो है वो हिंद महासागर को जो है आपको इंडिकेट करता था, उसको आप उसके हिंद महासागर को रत्नाकर नाम से भी जाना जाता था। तो आपको जो भारतीय ऐतिहासिक जो भूगोल है उसमें आपको रत्नाकर किसके लिए जो है प्रयोग किया जाता था, तो हिंद महासागर के लिए रत्नाकर शब्द का प्रयोग किया जाता था। केप कोमोरिन के नाम से किसे जाना जाता है, कन्याकुमारी, आपको कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, या केप कोमोरिन के नाम से किसे जाना जाता है, तो कन्याकुमारी। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है, जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसको कोंकण के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है, कोंकण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग, जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसका जो उत्तरी भाग है उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान का जो उत्तरी भाग है उसको हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तट है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तट है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाने जाते हैं। तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश, जब आप लोग इंडिया का मैप देखिएगा उस मैप में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो आपको तट है, जैसे ही आपको मैप बनाइएगा ऐसा भारत का, तो ये रहा आपको तमिलनाडु, ये रहा आपको आंध्र प्रदेश, तो इसके जो तट हैं, इसके जो आपको समुद्र से लगे हुए जो आपको सीमाएं हैं उस तट को जो है ना कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तट है उनको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। आगे की ओर देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, तो तमिलनाडु का अभी जस्ट हम लोगों ने देखा जो तमिलनाडु का समुद्र तट है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, अभी हमने ऐसा मैप बनाया था भारत का, और ये जो तमिलनाडु का जो समुद्र तट है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन नहीं हो गए बल्कि हमारे पास जो है ना कुछ नोट्स मैंने जो है ना तैयार किया है उसको देखिएगा। 8 डिग्री चैनल जो है ना भारत में जो मिनी काय है, भारत का जो मिनी काय द्वीप है, मिनी काय क्या है आपको, द्वीप है, ये आपको लक्षद्वीप में है, किसमें है, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच स्थित है, किसके बीच, मिनी काय मतलब 8 डिग्री चैनल जो है आपको मिनी काय और मालदीव को क्या करता है, जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल जो है वो आपको क्या करता है, मिनी काय, भारत का जो मिनी काय है और आपको मालदीव का, आपको इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये जो जितने भी स्ट्रेट होते हैं या चैनल होते हैं या उसको जनसंधियां होती हैं, ये आपको जलसंधि, नाम ही है संधि, मतलब ये जो है ना दो राज्यों को, दो देशों को क्या करता है, आपको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जो 8 डिग्री चैनल है वो आपको मिनी काय और मालदीव को जोड़ता है, ठीक है, मिनी काय और मालदीव को कौन जोड़ता है, आपको 8 डिग्री चैनल। अब इसको याद करने के लिए जो है आपको जैसे भी याद करना है याद कर लीजिए, वैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है ना मिनी काय, ठीक है, ये क्या है आपको एम है, यहाँ पे भी आपको क्या है, मिनी काय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल जोड़ता है, तो 8 डिग्री ऐसे, ये भी मतलब जो है मिनी काय और मालदीव, ठीक है, दोनों सेम से, दोनों एमएम से मिलकर बने हैं, तो ये भी जो है ना सेम से मिलकर के हमने क्या बना दिया आपको, मिनी काय और मालदीव बना दिया, ठीक है, मतलब सेम तो यहाँ पे जो है ना दो जीरो को जो है ना ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको, सेम को ऐड कर दीजिएगा तो 8 डिग्री चैनल। खैर जैसे भी याद करने का तरीका हो, मैं ऐसे भी कर लेता हूँ कभी कभी जब मुझे कोई चीजें याद नहीं होती हैं, तो 8 डिग्री चैनल जो है ना वो आपको मिनी काय और मालदीव के बीच स्थित है, 9 डिग्री चैनल मिनी काय और लक्षद्वीप के बीच है, ठीक है, मिनी काय और लक्षद्वीप के बीच कौन सा जो है ना आपको चैनल है, 9 डिग्री, ठीक है, मिनी काय और लक्षद्वीप के बीच कौन सा है आपको, 9 डिग्री चैनल
स्थित है। 10 डिग्री चैनल आपको जो लघु अंडमान है और निकोबार के बीच जो है ना, आपको 10 डिग्री चैनल है। लघु अंडमान, अंडमान और निकोबार इतना भी याद कर सकते हैं, लघु अंडमान और जो आपको निकोबार के मध्य कौन सा है, 10 डिग्री चैनल है। लघु अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल। डंकन पास लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के पास, ठीक है, डंकन पास जो है ना लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच आपको डंकन पास स्थित है। पाक स्ट्रेट जो है ना वो आपको, पाक स्ट्रेट की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच आपको स्थित है। जैसे ही भारत का मैप बनाएंगे आप, ये आपको तमिलनाडु रहा, ये श्रीलंका रहा लटका हुआ, तो इन दोनों के बीच जो है ना आपको पाक स्ट्रेट स्थित है। इसको पाक की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये मन्नार की खाड़ी जो है वो भी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। मतलब ये पाक स्ट्रेट भारत और जो श्रीलंका है उसके मध्य की जल संधि है, जिसे हम लोग पाक जल डमरू मध्य के नाम से भी जानते हैं। अगर पाक जल डमरू मध्य पूछ देगा कि किन दो देशों के बीच स्थित है, तो पाक जल डमरू मध्य आपको भारत और श्रीलंका के बीच या तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर जो सैडल पीक है वो कहाँ पे है। तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे पहले याद कर लीजिए कि सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो सैडल पीक है। सैडल पीक को आपको हिंदी में पल्यान शिखर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग सैडल पीक का नाम सुना होगा, शायद पल्यान शिखर का नाम नहीं सुना होगा। तो ये जो सैडल पीक है ये अंडमान निकोबार का, जब भारत का मैप बनाएंगे आप लोग तो ये जो अंडमान निकोबार है ये कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार कहाँ पे स्थित है, बंगाल की खाड़ी में है, ये बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल में जो है ना स्थित है ये आपको अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार की मैं बात कर रहा हूँ तो इसका सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, सैडल पीक। अंडमान निकोबार की जो है ना सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान में है। कहां पे है, उत्तरी अंडमान में, ठीक है। उत्तरी अंडमान में आपको जो है सैडल पीक स्थित है, ठीक है। सबसे पहले यह भी याद होना आपको जरूरी है कि अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है, पल्यान शिखर या सैडल पीक, ठीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक है। आगे की ओर बात करते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है, तो सैडल पीक। अभी हम लोगों ने देखा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी जो है ना आपको सैडल पीक है। इसका सही उत्तर ये होगा। आगे की ओर बात करते हैं, अंडमान व निकोबार है तो आपको अभी मैंने बताया कि अंडमान निकोबार आपको बंगाल की खाड़ी में है। ऐसे अगर मैं देखूं यहाँ पे मैप के जरिए भी मैं दिखा सकता हूँ, भारत का मैप बनाइएगा तो ये जो अंडमान निकोबार है वो आपको कहाँ पे है, एक बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में आपको स्थित है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है आपको अंडमान निकोबार। अगर लक्षद्वीप पूछ देगा तो लक्षद्वीप आपको कहां पे है, अरब सागर में। लक्षद्वीप किस में है आपको स्थित, अरब सागर में है आपको, अरेबियन सी में स्थित है आपको लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कौन से आपको जो है ना सागर में स्थित है, तो लक्षद्वीप जो है ना अरब सागर में स्थित है। आगे की ओर बढ़ते हैं, 10 डिग्री चैनल अलग करता है, तो हमने इसका उत्तर देखा था अंडमान को निकोबार से। अंडमान और जो निकोबार है उसको 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान को 10 डिग्री जो चैनल है वो आपको अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल। बैरन द्वीप अवस्थित है, ठीक है। तो बैरन द्वीप आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसको हम लोग बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, बैरन द्वीप। तो ये बैरन द्वीप जो है ना आपको अंडमान और निकोबार में आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बैरन द्वीप कहाँ पे है, बैरन द्वीप आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कि भारत का एकमात्र जो है ना एक्टिव वोल्केनो है। एकमात्र जो है ना आपको एक्टिव वोल्केनो आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसका नाम है बैरन द्वीप, सक्रिय ज्वालामुखी। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, तो वही आपको इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बैरन हो जाएगा, ठीक है। किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, तो भारत का जो है ना एक ही द्वीप ही है जिसका जो है ना उद्गम ज्वालामुखी है, तो एक द्वीप बैरन द्वीप होगा, सक्रिय ज्वालामुखी।
कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो फिर से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, बैरम द्वीप जो है ना आपको ज्वालामुखी द्वीप है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो श्रीहरिकोटा आपको कहां पे अवस्थित है, पुलिकट झील के पास है। कहां पे है श्रीहरिकोटा, आपको आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है वहीं पे है आपको श्रीहरिकोटा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपको पुलिकट झील के पास, सॉरी मैंने चिल्का झील को जो है वो अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में आपको, ये चिल्का झील तो आपको पता ही है उड़ीसा में है, कौन से है उड़ीसा प्रायद्वीप में है आपको चिल्का झील, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है आपको पुलिकट झील के समीप जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यही श्रीहरिकोटा जो है ना यहाँ पे आपको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है आपको श्रीहरि, अंतरिक्ष केंद्र आपको श्रीहरिकोटा में, सतीश धवन आपको अंतरिक्ष केंद्र ये आपको श्रीहरिकोटा में, ठीक है। अब हम लोग जो है बात करते हैं, तो ये सतीश धवन जहां से आपको जो है ना चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, ठीक है, जहां से क्या आपको लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3 जो है ना आपको लॉन्च किया गया, जो कि कल की डेट में लॉन्च किया गया, वो आपको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च किया गया है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। तो पूछा गया हमारे पास क्वेश्चन कि श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ना कहां पे अवस्थित है, तो इसका उत्तर कहा जाएगा पुलिकट झील के पास स्थित है। आगे की ओर बात करते हैं, राम सेतु जिसको एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, राम सेतु को किस नाम से जाना जाता है, एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, वो आपको कहां से शुरू होता है, तो धनुषकोटी से शुरू होता है। राम सेतु जो कि आपको एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, वो आपको धनुषकोटी से शुरू होता है। आगे की ओर देखते हैं, लक्षद्वीप कहां पे स्थित है, तो अभी लक्षद्वीप के बारे में हमने देखा था कि लक्षद्वीप जो है ना आपको अरब सागर में स्थित है, ये जो है ना भारत का मग बनाया, ये रहा आपको लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप जो है आपको कहां पे है, अरब सागर, अरब सागर जो है ना पश्चिम की तरफ है, पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जो है ना आपको कहां पे है, पूर्व की तरफ, तो ये आपको बे ऑफ बंगाल में कौन सा है आपको, ये है आपको अंडमान निकोबार, क्या अंडमान निकोबार किधर पे स्थित है, तो आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप पूछेगा तो ये आपको कहां पे स्थित है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अरब सागर में स्थित है। कोई दिक्कत है तो हमारे पास क्वेश्चन था लक्षद्वीप कहां पे स्थित है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अरब सागर। निम्नलिखित में से कि भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, प्रवाल द्वीप जो है ना मतलब लक्षद्वीप जो है ना आपको याद कर लीजिएगा कि प्रवाल द्वीप से बना है, लक्षद्वीप जो है ना किससे निर्मित है, प्रवाल द्वीप से निर्मित है, तो आपको प्रवाल द्वीप जिसको हम लोग एटॉल्स के नाम से जानते हैं, तो भारत के किस भाग में जो है ना प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, तो प्रवाल द्वीप जो है ना आपको लक्षद्वीप के निकट पाए जाते हैं, ठीक है, लक्षद्वीप के निकट प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, तो लक्षद्वीप, प्रवाल द्वीप से निर्मित कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। तो हम लोग आगे बात करते हैं, फिर से आपको मैं एक बार याद करा दूं कि प्रवाल द्वीप जो है ना से निर्मित कौन सा द्वीप है, तो लक्षद्वीप है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। लक्षद्वीप टापी अवस्थित है, तो लक्षद्वीप अगर जब मैं बात करूं कि कहां पे अवस्थित है, तो ये सब जो है ना आपको मैप अगर याद रहेगा थोड़ा सा भी, तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लक्षद्वीप की बात करूं तो यहाँ पे अवस्थित है, इतना तो आपको पता है। तो ये जो है ना ऊपर में क्या हो गया नॉर्थ, ठीक है, नीचे में क्या हो गया साउथ, ठीक है, अगर मैं ऐसा मैप बनाऊं, ठीक है, तो ये किधर की ओर अवस्थित हो जाएगा, ऊपर नॉर्थ, ठीक है, इधर साउथ, इधर की ओर जो है ना आपको क्या हो जाएगा, आपको पूर्व की, इधर पूर्व लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे पश्चिम। तो आपको ये जो लक्षद्वीप है आप लोग देखिएगा, तो ये आपको दक्षिण पश्चिम में स्थित है, कहां पे स्थित है, दक्षिण पश्चिम में। ये आपको जो है ना पूरा अगर भारत का मैप बनाऊं, तो भारत का ऊपर वाला पार्ट होता है उसको नॉर्थ, तो दक्षिण की ओर स्थित है, और दक्षिण में आपको इधर की ओर पश्चिम की इधर उधर स्थित है, पूर्व की ओर स्थित नहीं है। अगर पूछेगा कि अंडमान निकोबार किधर पे स्थित है, तो दक्षिण पूर्व में, अंडमान निकोबार किधर है, तो ये आपको दक्षिण पूर्व में हो जाएगा, अंडमान निकोबार कहां पे हो जाएगा आपको, दक्षिण पूर्व में स्थित है। लेकिन पूछा क्या है लक्षद्वीप, तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। जहां तक उम्मीद है आप लोगों को पूरे के पूरे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मतलब लक्षद्वीप जो है ना आपको इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है,
लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 26 है, तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या लगाएंगे? डी सी। ठीक है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? प्रवाल 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 जो भित्ति होती है उससे निर्मित है, तो वही जो है ना लिखा हुआ है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। किसका उत्पत्ति का है? प्रवाल उत्पत्ति का है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लक्षद्वीप है जो कि प्रवाल द्वीपों से निर्मित है। आगे की ओर बात करते हैं, तो हम लोगों ने देखा आज का इतना ही क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे की ओर हम लोग करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, और इस तरह से जितने भी वीडियोस हैं वो सभी के सभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, और ये सभी के सभी आपको SSC, MTS, EHSF, MP पुलिस, MPSI, BPSC टीचर, बिहार पुलिस, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे कृपया करके वैसे अभ्यर्थी को भी सेंड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।